या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिते नमस्तस्य 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 नमो नमः जय महाकाली। सबके सपने, कौन कहता है कि सपने आपके पूरे नहीं हो सकते? सपने आपके आपके और तुम्हारे मैं पूरा करूंगा। चलो खेलते हैं केबीसी केबीसी, बहुत सुना है ना। आइए, आज सभी का इंतजार है कौन बनेगा करोड़पति में। पहला सवाल आपके सामने, आप एमजे के शो में क्यों आए, क्या चाहिए आपको? सफलता, पैसे, कामयाबी? दूंगा ना। ये सपने जो है ना, किसी का इंतजार नहीं करते। सपनों को, कामयाबी को बस छीन लेना पड़ता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, सीटें खाली है और मेरा जोश, मेरा जुनून चरम पर जाने वाला है। महाकाली और नमस्ते इंडिया। दोस्त कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त एमजे तैयार हूं। बस कुछ देर का इंतजार कर लो, मैं आपके साथ आने वाला हूं।
ऐसा धमाल मचाएंगे ना कि मजा आ जाएगा बॉस। दोस्त, बेंगलोर का सेमिनार सच चुका है, दोस्त आ चुके हैं, बस मेरा इंतजार है। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां तो खत्म हुई, MJ आ रहा है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, बस कुछ ही पलों में। जय महाकाल। करने की कोशिश की है कि हम जनरेट उससे मिलाने की साजिश की है और कहते हैं किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। काली कंकाली महाकाली सर्व सुंदरी जिह्वा वाली चार वीर भैरव चौरासी तब तो पूजू मैं फल मिठाई अब बोलो काली की दुआई। जय महाकाली। ओम गणेशाय नमो। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लिया था लेकिन उस दिन फिर आ क्यों नहीं पाए, क्या प्रॉब्लम थी? एक
माइक क्लोज। ये प्रॉब्लम हो गया था तो फिर बैंगलोर आने का सोच लिया। तो डेफिनेटली आना तो था ही बैंगलोर। पैसा डिपॉजिट था इसलिए कि आना जरूरी था? नहीं, आना जरूरी था और सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी कैसा लगा था उसने? इट वाज गुड, वेरी गुड, पॉजिटिव था। सो डेफिनेटली उसके बाद पॉजिटिवनेस के साथ यहीं पे आया। इसके बाद लाइफ में उस सोच में फर्क आया? यस डेफिनेटली, बट वही सेमिनार मिस हो गया तो एक माइंडसेट नहीं था। चलो इस बार आज एकदम ऐसा सिखा दूंगा कि माइंड सेट हो जाएगा। थैंक यू। मैं चेन्नई के पास पनरोटी करके गया हूं, तब से ओके मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आप अपने सेमिनार में आए थे? सेमिनार में मैं आया हूं। और हमारे साथ कब से जुड़े हैं? डेढ़ साल से, फर्स्ट साल से जुड़े हैं, तीन बार देखा है। कैसा लगा आपको पुणे का सेमिनार? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मगर एक दिन का था, ज्यादा भीड़ बहुत थी। बहुत थी। तो आज के सेमिनार में मेरे को प्रॉफिट है कि आप लोगों को? तो भगवान से बता कि अंजे के सेमिनार में बस 30 लोग ही आए। अगले में हो जाएगा। पुणे में कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। काफी बड़े पद पे काम करते हैं, देखने में छोटे हैं लेकिन काम इनका बहुत बड़ा है। और मुंबई का सेमिनार कैसा लगा आपको? एकदम क्लोज है। मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा और जो प्रैक्टिकल ये है वो अच्छा लगा। स्टॉक मार्केट में मैं टाइम पास के लिए करता हूं। तो ये भाई तुम्हारा पैसा दे क्या है मेडिटेशन के लिए? और बताइए, मतलब जब आप लेवल बदलते हो मैं बंद कर देता हूं। मेरा शो ये क्यों देखते हैं? एनर्जी के लिए देखते हैं। ये इंटरेस्ट जितना देर एनर्जी के लिए प्रोग्राम चलता है उतना देर देखता हूं, फिर मैं बंद करके सो जाता हूं। तो मुंबई मस्त रहा और बैक लोग और भी अच्छा रहेगा। मुंबई में भीड़ बहुत होता है। भीड़ बहुत है बट जो सीखना है वो सीख ही लेगा। सीख ही लेगा। चलिए पैशन है वो सीखेगा। कैसा पैशन वाले सीखेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम उमेश मेहता। कहाँ रहते हैं सर? मैं बेंगलोर में रहता हूँ, पहले कलकत्ता में रहता हूँ। ओके okay. थोड़ा माइक को ऐसे पकड़िए। मेरा अगरबत्ती। अच्छा अगरबत्ती, वेरी गुड। मतलब धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए, मांगलिक कार्यों से? पहले से। तो घर में अगरबत्ती जलाते हैं? तो आपसे ये प्रश्न है हमारा कि स्टॉक मार्केट में कामयाबी के लिए क्या चाहिए? एक तो नॉलेज चाहिए, नॉलेज लेने के बाद डिसिप्लिन में लेना पड़ेगा। डिसिप्लिन में लेना पड़ेगा। माय नेम इज एक्चुअली सो माय हस्बैंड इज एक्चुअली इन द ट्रेडिंग एंड वी हैव जॉइन हियर दिस वीकेंड सो आई कम सो आई नो वेरी बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड वेरी इंट्रो टू इट आई वर्क इन आईटी इंडस्ट्री। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे एंड डे आफ्टर टुमारो सेमिनार। कुछ नहीं सीखी तो लाइफ में हंसना सिखा दो, लाइफ में प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इस सेमिनार के बाद। चलिए इनके लिए एज क्या है ये बता दीजिए। माय एज इज 71। झूठ क्यों बोल रहे हो? रियली तो क्या बात है? अभी आपकी क्या एज है? अभी तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है, जीरो है। आपकी एज है 17। मुझे तो अभी आप 17 के दिख रहे हो और आपको लग रहा है कि इधर से निकलने के बाद 17 के बनोगे, हो जाएंगे। तो मैं माता काली से दुआ करता हूँ कि आज थोड़ी देर में आप 17 के हो जाओ और 17 के लिए ताली बजाइए। देवानंद साहब बनिए कि 100 तक आपको कोई बूढ़ा ना बोले। कोई बूढ़ा बोले तो बोला बूढ़ा होगा तेरा बाप, बूढ़ा होगा तेरा बाप। चलिए आज इधर क्यों आए ये बताइए। आए हैं थोड़ा सीखने के लिए कितने लोगों के साथ होता है? जवाब हमें नहीं मिला, सभी किसी से भी नहीं नहीं मिला, उसका जवाब आपको मिलेगा। पुणे का सेमिनार अटेंड किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है सेमिनार अटेंड करने के बाद। पर स्टॉक मार्केट को दोबारा लर्न, अच्छी लर्निंग के लिए मैं दोबारा आया हूँ। लोग बोलते हैं ना कि भाई बिजूल खर्ची है, अब वो पैसा दान धर्म भी हो सकता था, वृद्धाश्रम में दिया जा सकता था, करोड़ों का फूल लगा दिया, करोड़ों का हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ ये करना जायज है कि ना जायज है? उस
उसके हैसियत, अगर उसका हैसियत है तो वो कर सकता है उसमें, उसमें कोई बुराई नहीं है इसमें। नहीं क्योंकि उसका जो भी नाम बता भाई, अपना नाम बताओ। मेरा नाम हुसैन साहब है। हुसैन तुम बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि तुम पूरा मार्केटिंग का बंदा है और किसको लगता है ये जरूरी है। कहाँ से आ रहे हो बताओ? मैं कोचिंग से आ रहा हूँ, मैं पूरा नहीं किया था। हाँ बताओ बताओ। नहीं अगर समझो कि एक आदमी, एक राजा या सऊदी का राजा अपना बेटी का शादी कर रहा है तो उसका वो उसका डेलीगेट्स जो भी आता है वो उसका हैसियत वाला ही आएगा, तो तुमको वो होस्टिंग तो देना ही पड़ता है उसको, तो बिजोक्रेसी नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, ये आपने पार्ट है, ये एमबीए का पार्ट है। चलिए मुझे आपका जवाब अच्छा लगा। कई बार क्या होता है, एक सीढ़ी बसती है लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, तो
तो आप हौसला हार के वापस नीचे आ जाते हो। तो यही लॉ ऑफ नेचर है। अगर आपको नॉलेज है कि सामने मंजिल कितनी दूर है, तो आप उस मंजिल को अचीव कर सकते हो।